हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर, हम जेई मेंस की जो काउंसलिंग है जोसा के थ्रू अगर कराना चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि नहीं। काफी स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे थे, तो चलिए आज मैं इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और चैट जीपीटी के थ्रू जोसा की काउंसलिंग कराएंगे। मैं चैट जीपीटी से ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा और इनके आंसर सही हैं या नहीं है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेट के जरिए जुटाए हैं। जैसे मैकेनिकल का आप देख सकते हैं कौन सी एनआईटी में कितना पैकेज है, उसकी एनआईएलएफ रैंकिंग क्या है, तो ये डाटा पे आपको भरोसा करना है क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से जुटाए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं एनआईएलएफ रैंकिंग ये है एनआईटी की, और इसमें मैंने सारी ब्रांचों का पैकेज, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबका मैंने पैकेज यहाँ पे हाईएस्ट, एवरेज, लोएस्ट, और कितने परसेंट स्टूडेंट प्लेस हो गए थे सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कौन सी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो कौन सी कॉलेज आपको लेनी चाहिए। तो चलिए हम चैट जीपीटी पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं क्या आंसर देता है। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है कि जैसे 10,000 अगर आपकी रैंक आई है तो आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो ये आंसर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। सो चैट जीपीटी ने आपको कॉलेज यहाँ पे सजेस्ट किए हैं कौन कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है। जैसे कि फर्स्ट में इसने एनआईटी रायपुर सजेस्ट किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एनआईटी रायपुर देख सकते हैं आप। उसके बाद गोवा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल। तो देखिए 10,000 पे किसी कैसी कैसी कॉलेज इसने सजेस्ट किए, तो पहले आपको आंसर लग गया होगा कि चैट जीपीटी 100% बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सारी ऐसी ऐसी कॉलेज सजेस्ट किए हैं जो आपको 25-30,000 तक भी मिल जाती है ना। यहाँ पे तिरची का नाम इसने मेंशन किया है, वारंगल भी नहीं बताया। एनआईटी जयपुर में आपको मिल सकती है मैकेनिकल 10,000 पे, तो वो सब इसने नहीं बताया। तो मैं इससे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या आंसर देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन मेरा रहेगा, टेल मी टॉप 10 NIT में इसके NIRF रैंकिंग पूछता हूँ, क्या NIRF रैंकिंग सही बता पाता है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इससे पूछते हैं NIRF रैंकिंग। सो आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग तो इसने ठीक ठाक ही बता रहा है, तिरची फर्स्ट पे, फिर सूरतकल, फिर वारंगल, राउरकेला, फिर कैलीकट, अलाहाबाद, फिर जयपुर, फिर दुर्गापुर, हमीरपुर, कुरुक्षेत्र। सो यहाँ पे इसने, और अब हम देखते हैं हमारे आंसर से क्या ये सही है। सो मैं आपको NIRF रैंकिंग दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं तिरची इसने ठीक बताया फर्स्ट पे, तिरची, सूरतकल, फिर राउरकेला, वारंगल, कैलीकट, यहाँ तक ठीक है। इसने नागपुर को नहीं बताया इस लिस्ट में, दुर्गापुर, फिर सिलचर भी बहुत अच्छी है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 38 गई थी इसकी NIRF रैंकिंग। MNIT जयपुर देख सकते हैं सिलचर से नीचे है, MNIT इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, तो ये NIRF रैंकिंग है जो इसने काफी हद तक ठीक बताया। लेकिन फिर भी देख सकते हैं इसने यहाँ पे VNIT नागपुर का नाम मेंशन नहीं किया है। मैं इससे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, मैं इससे पूछता हूँ कि NIRF रैंकिंग ऑफ MNIT जयपुर, तो MNIT जयपुर की NIRF रैंकिंग क्या बताता है, तो इसने 35 बताई है जो कि गलत है। NIRF रैंकिंग MNIT जयपुर की यहाँ पे आप देखोगे 46 है। अब हम इससे पूछते हैं हाईएस्ट पैकेज पूछते हैं थोड़ा, NIT पटना का हाईएस्ट पैकेज कितना, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि पटना का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। सो देखते हैं क्या ये आंसर बताता है हाईएस्ट पैकेज ऑफ NIT पटना। तो ये तो सही बताया कि कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट पैकेज मिला 43 LPA मिला है, बट ये रॉन्ग है क्योंकि NIT पटना में अगर आप देखोगे 2022 में, सो पटना का हाईएस्ट पैकेज 1.06 CR और 1.6 CR गया था ईसी में, 1.6 करोड़ का पैकेज गया था ईसी में। सो इसकी एक न्यूज भी बनी थी कि हाईएस्ट पैकेज जिस किसी भी NIT को मिला है अब तक, तो वो है NIT पटना 2022 में ईसी ब्रांच के एक स्टूडेंट को मिला था। सो ये भी इसने गलत बताया है। अभी तक इसने बस NIRF रैंकिंग 50% सही बताया, बाकी इसने सारे आंसर गलत बताए। टॉप 10 NIT हाईएस्ट पैकेज के हिसाब से मैं इसको अरेंज करने को बोलता हूँ कि ये कैसे अरेंज करता है टॉप 10 NIT को, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे हम लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं वैसे। तो इसने बोला अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा, बट फिर भी इसने मैकेनिकल के लिए रेंज आप देख सकते हैं तिरुची, फिर सूरतकल, फिर वारंगल, कैलीकट, अलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर और हमीरपुर। इसने तो
ऑलमोस्ट एनआईएफ रैंकिंग को कॉपी पेस्ट किया है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज कौन सी एनआईटी का सबसे ज्यादा गया है। तो ये है आपकी हाईएस्ट पैकेज, ये आप इस पर फोकस कीजिए। एनआईटी दुर्गापुर का हाईएस्ट गया था, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा बट यस, दुर्गापुर 45 LPA गया था, जिसकी एनआईएफ रैंकिंग 34 है, और जो आप तिरची को फर्स्ट मानते हैं उसका 27 गया था, और बाकी देखिए एनआईटी वारंगल 37, फिर कुरुक्षेत्र आते, कुरुक्षेत्र का 35 गया था, थर्ड नंबर पे आती है हाईएस्ट पैकेज के मामले में 2022। देखिए सिलचर, बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस एनआईटी को, मैं खुद इसमें बीटेक किया हुआ एनआईटी सिलचर में मैकेनिकल में, इसका भी मैकेनिकल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा रैंक पे भी एनआईटी सिलचर मिल जाती है, तो एनआईटी सिलचर भी आप ले सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसके बाद बाकी की ब्रांचों की वीडियो भी मैं इसमें बता दूंगा। देखिए सारा पैकेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे, अभी तक तो इसने सारे क्वेश्चन के आंसर गलत ही बताए हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये आंसर सही बता पाता है। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि एमएनआईटी जयपुर 2022 में कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट इससे पूछ रहा हूँ। सो इसका आंसर इसके पास में आई थिंक है नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री बता रहा है क्या क्या है, लेकिन इसके पास में भी इसका आंसर नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास इसका आंसर। सो यहाँ पे आप देखोगे एमएनआईटी जयपुर का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, मैं आपको देखिए परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट के मामले में एनआईटी जमशेदपुर का 90% है, बहुत ही अच्छा है। फिर वारंगल आपका आता है, सॉरी 97% है एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल में, 95%, फिर राउरकेला 94, यहाँ मिलेगी आपको एनआईटी जयपुर, ये 85% है एनआईटी जयपुर का, 85% स्टूडेंट मैकेनिकल प्लेस हो जाते हैं। सो देख सकते हैं जमशेदपुर का बहुत टॉप पे आती है। अगर मैं जमशेदपुर की मैं बात करूँ, वैसे वैसे जमशेदपुर का आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट ओनली 24% ही मिलेगा। तो आपको अगर किसी एनआईटी को चूज करना है मैकेनिकल में प्लेसमेंट के हिसाब से, तो एवरेज प्लेसमेंट को आप तवज्जो दीजिए, इसके आधार पे आप जैसे एनआईटी वारंगल दिरची इनको फर्स्ट सेकंड पे डाल सकते हो, फिर इलाहाबाद जयपुर ये सब दोनों इनका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और फिर कैलीकट हो गया। लेकिन अब जैसे एनआईटी सिलचर पे आप फोकस कीजिए, एनआईटी सिलचर का हाईएस्ट पैकेज 9.05 है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, तो वो 90% है। तो एनआईटी सिलचर और हाईएस्ट में भी अच्छी है, एवरेज में भी अच्छी है, एवरेज भी देख सकते हैं आप, एवरेज भी अच्छा ही है इसका, और हाईएस्ट में भी अच्छी है, और परसेंटेज में भी अच्छा था एनआईटी सिलचर यहाँ पे मैकेनिकल में अच्छी है। सो आपकी चॉइस है आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है, मैंने आपको डाटा यहाँ पे बता दिया है कि हाईएस्ट एवरेज और परसेंटेज किस किस में प्लेस हो गए थे, ओनली मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वीडियो में बताया। और बेसिकली जो इस वीडियो को बनाने का मोटिव था वो था चैट जीपीटी के थ्रू आप जोसा की काउंसलिंग मत कराइए, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको ये कुछ भी बता देगा, और आप फिर इसी के हिसाब से अगर काउंसलिंग में कॉलेज फिल करोगे तो वहां जाके आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, और आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो, ये जो भी सीट्स हैं अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी आप हेल्प ले लीजिए, ये एकदम डाटा एक्यूरेट है, थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं मिलेगी आपको इसमें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।